Hello students, how are you all? So let's continue with the chapter staffing. तो staffing जो है ये आपके term 2 का first chapter है and staffing की एक video आ चुकी है जिसमें आपको basically एक understanding करवाई गई थी कि staffing होता क्या है. ठीक है, staffing क्या है? Management का एक function है. Planning and organizing आपने पढ़ लिया, ये staffing का function है. तो स्टाफिंग बेसिकली आपका यही बताता है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन में काम होना है, जो भी वर्क होना है, जो भी जॉब्स हैं, उन सब के लिए हमें एक एफिशिएंट ह्यूमन बीइंग को एम्प्लॉय करना पड़ेगा. ठीक है, एक ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन एलिमेंट की जरूरत होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में. ठीक है, ह्यूमन रिसोर्सेज का कॉन्सेप्ट भी आपको लास्ट वीडियो में बता दिया गया था. तो मीनिंग ऑफ स्टाफिंग आपको पता चल गई है. इस वीडियो में हम देखेंगे कि स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस क्या है. ठीक है, क्यों इम्पोर्टेंट है स्टाफिंग, एंड स्टाफिंग मतलब एक इफेक्टिवली अगर आप स्टाफिंग करो तो वो बेनिफिट क्या क्या देगी एक ऑर्गेनाइजेशन को, बेसिकली वो हमें इसमें देखना है. तो इसमें हम देखेंगे कि स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस क्या है. तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्टाफिंग, देखिए स्टाफिंग जो है उसका मेन फंक्शन क्या था. इसका मेन फंक्शन ये था टू कीप राइट पीपल एट द राइट जॉब. देखिए कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है तो आपने मैनेजमेंट, मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस आप पढ़ रहे हो. ठीक है, मैनेजमेंट क्या है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज कैसे करना चाहिए. तो उसमें आपने देखा सबसे पहले प्लानिंग होती है, हम प्लान करते हैं कि हमें बेसिकली क्या काम करना है, किस वे में करना है. उसके बाद सेकेंड ऑर्गेनाइजिंग होती है. ऑर्गेनाइजिंग में अब जो हमने प्लान डिसाइड करा है कि हमें ये चीजें करनी है, तो वो ऑर्गेनाइज तरीके से उसका एक स्ट्रक्चर बनाना, उसका एक लेआउट बनाना, वो ऑर्गेनाइजिंग है. और थर्ड स्टाफिंग कहता है कि अब जो आपने ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया है, क्या बनाया है आपने, जो अभी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया है, जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर बनाया है, अब यहाँ पर आपको उन लोगों को एम्प्लॉय करना है, स्टाफिंग करनी है, जहां पे ह्यूमन एलिमेंट को आपको यूज करना है. और इस स्ट्रक्चर के अंदर जो पोजीशंस हैं, जो डिफरेंट टाइप का वर्क हमने बनाया है, उसपे उस पर्टिकुलर वर्क के उस पर्टिकुलर पोजीशन के हिसाब से वहां पर एक राइट पर्सन को एम्प्लॉय करना है. और ये इसलिए नेसेसरी, क्यों पर्सन को एम्प्लॉय करना है, ह्यूमन को एम्प्लॉय करना है, बिकॉज हर बिजनेस में दो तरह के रिसोर्सेज यूज होते हैं, नेचुरल रिसोर्सेज एंड ह्यूमन रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज तो रॉ मटेरियल्स हैं, बाकी नॉन लिविंग थिंग्स हैं जो कि अवेलेबल होती है नेचर से, एंड उन सबको यूज करने के लिए किसकी जरूरत होती है, ह्यूमन रिसोर्सेज की. तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर जो बनाया गया है उसमें हमें जगहों को फिल करना है टू कीप द राइट पीपल एट द राइट जॉब. ये आपका स्टाफिंग बेसिकली होता है. अब स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस क्या है, देखो अगर जिस तरह के लोग काम करेंगे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, उसी तरीके का बेनिफिट या उसी तरीके का रिजल्ट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा. अगर राइट पीपल काम करेंगे, सही लोग काम करेंगे, सही जगह पर काम करेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेगी. ठीक है, एंड अगर रॉन्ग पीपल एम्प्लॉय कर दिए जाएंगे, गलत काम करेंगे, तो ऑब्वियस सी बात है एक नई दिन वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, वो बिजनेस बंद हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए स्टाफिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, बिकॉज आपके पास सारा सामान हो, आपके पास सारे नेचुरल रिसोर्सेज हो. जैसे कि अगर आप स्कूल का एग्जाम्पल ले लो, स्कूल में स्टाफ कौन है, टीचर्स होते हैं, वहां पे सारी चीज अवेलेबल है, वहां पे ब्लैक बोर्ड अवेलेबल है, क्लासरूम्स अवेलेबल है. ठीक है, वहां पर जितना भी आपको स्टेशनरी का सामान है सब अवेलेबल है. लेकिन जो स्टाफ एम्प्लॉयड है, जो टीचर्स एम्प्लॉयड है, अगर वो एफिशिएंट है, अगर दे आर वर्किंग एट द राइट पोजिशन, अगर कोई टीचर फिजिक्स में प्रोफिशिएंट है देन उनको फिजिक्स ही पढ़ानी है, कोई केमिस्ट्री में प्रोफिशिएंट है तो वो केमिस्ट्री पढ़ाएंगी. तो अगर ऐसे वो राइट जगह पर एम्प्लॉय होंगी देन दे विल बी एबल टू गिव देयर बेस्ट, वो अपना बेस्ट देंगी. और उसके बाद क्या होगा, जब टीचर्स अच्छी होंगी देन ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स जो है उस पर्टिकुलर स्कूल में पढ़ने के लिए अट्रैक्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो क्या है, आपके पास नेचुरल रिसोर्सेज सारे थे, जो आपके पास मटेरियल चीजें थी वो आपके पास अवेलेबल थी, सही ह्यूमन रिसोर्सेज को एम्प्लॉय करके आपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ा दिया, उसको एक्सपेंशन, उसकी ग्रोथ होगी. सेकेंड केस में सारी चीजें आपके पास अवेलेबल है, अच्छे ब्लैक बोर्ड है, अच्छा फर्नीचर है, अच्छी क्लासरूम्स है, लेकिन जो टीचर्स हैं दे आर नॉट वर्किंग इन द राइट प्लेस, जो फिजिक्स में सही पढ़ाती है आपने उनको हिंदी पढ़ाने को बोल दिया. तो इस तरीके से क्या है, अगर सही जगह पर नहीं एम्प्लॉय किया, अपनी कैपेबिलिटीज के हिसाब से आप नहीं एम्प्लॉय करोगे टीचर्स को, तो वो अपना एफिशिएंटली काम नहीं कर पाएंगे, जिससे क्या होगा, जब पता चल जाएगा, जब टीचर्स अगर अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे तो धीरे धीरे करके स्टूडेंट्स कम होने लग जाएंगे.
ठीक है, एंड एक दिन जाके वो ऑर्गेनाइजेशन वो स्कूल बंद हो जाएगा। तो कैसे लोग काम करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में वो डिफाइन करेगा, वो आपका रिजल्ट लाएगा कि ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होनी है या ऑर्गेनाइजेशन ब्रेक कर जाएगी। ठीक है, तो ये इस पे स्टाफिंग बहुत जरूरी है। जितना जरूरी है कि आपका सारा मटेरियल सामान बेस्ट क्वालिटी का हो, उतना ही जरूरी है कि आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज यूज हो रहे हैं वो भी बेस्ट क्वालिटी के हो। ठीक है, अब क्या है, आपको ये देखना है कि आज के टाइम पे स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस जो इतनी इंक्रीज क्यों गई है। ठीक है, तो आपको ये देखना है कि ये जो इम्पोर्टेंस है स्टाफिंग की, तो आज के टाइम पे इतनी इंक्रीज क्यों हो गई है, पहले इतना ज्यादा नहीं था। स्टाफिंग का जो फंक्शन है, ये जो चीजें आपकी मैनेजमेंट एंड ऑल दैट, ये सब आपकी रीसेंट डेवलपमेंट्स है। बिजनेस तो हमेशा से होते आ रहे हैं, ठीक है, वो तो होता रहा, लेकिन कहते ना धीरे धीरे एडवांसमेंट होती है। तो स्टाफिंग जो है आपका पता है, स्टाफिंग आज के टाइम पे अगर आप स्टाफिंग को देखो, स्टाफिंग का जो फंक्शन है, इसके लिए एक डिपार्टमेंट बना दिया गया है जिसे हम बोलते हैं ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। अब ये डिपार्टमेंट कहां से है, देखिए जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, आपको अगर आपने पढ़ा होगा, डिपार्टमेंटेशन एक होता है। डिपार्टमेंटेशन क्या कहता है कि जितनी भी आपकी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर बहुत तरीके का काम होना है, और उन सारे काम को सही तरीके से करने के लिए हमें डिपार्टमेंट बनाने पड़ेंगे। सबसे सिंपल एग्जांपल अगर आप अपने स्कूल को देखो, ठीक है, अपने स्कूल को देखो, तो वहां पर देखिए हर सब्जेक्ट का अलग अलग डिपार्टमेंट होता है, ठीक है, एंड उस डिपार्टमेंट में उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड काम होते हैं। ठीक है, कॉमर्स डिपार्टमेंट, साइंस डिपार्टमेंट, आर्ट्स डिपार्टमेंट, उन डिपार्टमेंट के हेड होते हैं, कई बार स्टूडेंट्स हेड होते हैं, और उसके बाद उनके हेड जो है टीचर्स होते हैं पर्टिकुलर डिपार्टमेंट्स के हेड। उसके बाद अगर आप देखो तो अगर आप को करिकुलर एक्टिविटीज को देख लो तो वो डिपार्टमेंट्स होते हैं। फिर आपके स्कूल में अकाउंट्स डिपार्टमेंट होता है जो मैनेज करता है कि जितनी भी फीस आ रही है, जितना भी मनी से रिलेटेड काम है वो कैसे होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर ये डिपार्टमेंट्स नहीं बने हुए तो सब मिक्स्ड अप हो जाएगा एंड उसका रिजल्ट उतना इफेक्टिव नहीं आएगा। तो डिपार्टमेंट बनाए जाते हैं, तो कई तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में। जनरली देखा जाए तो कई तरीके के डिपार्टमेंट होते हैं, और वो डिपार्टमेंट्स बहुत सालों से चले आ रहे हैं, लेकिन ये जो ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है ये थोड़ा सा नया है। अगर उनके कंपैरिजन में देखो तो ये थोड़ा सा नया है। पहले एक डिपार्टमेंट की जरूरत नहीं थी, डिपार्टमेंट में कई तरह के लोग काम करते हैं, कई सारे लोग काम करते हैं। ठीक है, डिपार्टमेंट ये नहीं कि एक दो लोग है तो वो डिपार्टमेंट बन गया। डिपार्टमेंट का मतलब इट इज अ बिग टर्म, उसमें मैनेजर्स हैं, ब्रांच मैनेजर्स हैं, और फिर जाके वो डिपार्टमेंट अच्छे से वर्क कर रहा है, उसके अंदर एम्प्लॉयज भी काम करेंगे। तो डिपार्टमेंट्स होते हैं जो बेसिकली ऑर्गेनाइजेशन के काम को देखते हैं, इंपॉर्टेंट कामों को देखते हैं। आज के टाइम पे क्योंकि स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ गई है, तो स्टाफिंग के लिए भी एक डिपार्टमेंट बनाया गया। अब स्टाफिंग किससे काम करता है, स्टाफिंग आपका ह्यूमन रिसोर्सेज से रिलेटेड है, तो उस डिपार्टमेंट का नाम ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट है। ये बहुत बड़ा डिपार्टमेंट है और आज के टाइम पे ये बहुत एक्सपैंड भी हो रहा है। एचआर की जॉब्स आपने सुनी होगी, एचआर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, तो ये आज के टाइम पे बहुत ज्यादा इवॉल्व हो रहा है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट। ठीक है, बिकॉज अब लोगों को ये रियलाइज हो रहा है कि अगर आपको जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को आगे बढ़ाना है तो ह्यूमन बीइंग्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, और ह्यूमन बीइंग्स को मोस्ट इम्पोर्टेंट असेट भी बोला जाता है। अगर आप आज के टाइम पे देखो तो एक बहुत जो अच्छी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो ह्यूमन रिसोर्सेज को, अपने एम्प्लॉयज को मोस्ट इम्पोर्टेंट असेट बोलते हैं। जैसे इन्फोसिस है, तो इन्फोसिस में भी यही है कि वो अपने जो ह्यूमन रिसोर्सेज है, जो एम्प्लॉयज इनके यहाँ काम कर रहे हैं, इवन जो फैक्ट्री में लेबर्स काम करते हैं, उन सबको उन्होंने क्या किया है कि दे आर रिगार्डेड एज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो धीरे धीरे स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस बढ़ रही है, ह्यूमन बींग्स जो काम करते हैं उनकी इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, तो ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट भी बना है। ह्यूमन रिसोर्सेज डिपार्टमेंट बनाने का यही रीजन था, क्यों? क्योंकि इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो रही है। अब हमें जानना है कि ऐसा क्या हुआ कि स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस इतनी ज्यादा बढ़ने लगी। तो इसके बेसिक तीन चीजें हैं। पहला आपका है रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी। देखिए आज के टाइम पे आपको पता है साइंस एंड टेक्नोलॉजी बहुत ही रैपिडली, बहुत स्पीड में, ठीक है, एडवांस हो ही जा रही है। ठीक है, नई नई इन्वेंशंस, नई नई रिसर्च रोज होती रहती है, टेक्नोलॉजी में इन्वेंशन होता जा रहा है। तो ये जो टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो रही है, इसके लिए भी ह्यूमन रिसोर्सेज इंपॉर्टेंट है। देखो टेक्नोलॉजी कौन ला रहा है, क्या कोई ट्री ला रहा है टेक्नोलॉजी, क्या कोई
मिनरल ला रहा है, क्या कोई सन एनर्जी ला रही, नहीं, ये टेक्नोलॉजी ला रहे हैं ह्यूमन बीइंग्स। कैसे ला रहे हैं? बिकॉज वो अर्थ से जो हमें चीजें प्रोवाइड हो रही है, जो नेचुरल चीजें हमें प्रोवाइड हो रही है, उन सब का और अपने कैपेबिलिटीज का, बीइंग द ह्यूमन बीइंग द मोस्ट इवॉल्व्ड स्पीशीज, वो अपने उस थिंकिंग का, उस इंटेलिजेंस का यूज करके टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट ला रहे हैं। तो टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हो रही है बिकॉज ह्यूमन बीइंग्स आर वर्किंग। ह्यूमन बीइंग्स की वजह से टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है, ये बात तो एकदम बेसिक है। कोई एनिमल टेक्नोलॉजी नहीं ला रहा है, कोई नॉन बाकी चीजें टेक्नोलॉजी है, केवल ह्यूमन बीइंग ऐसा एक है जो टेक्नोलॉजीज ला रहा है, ठीक है, जो इन्वेंशन कर रहा है, जो इन्वेंट कर सकता है। ये जो कैपेबिलिटी है इन्वेंशन की, थिंकिंग की, इमेजिनेशन की, ये केवल ह्यूमन बीइंग्स को दी गई है। सो टेक्नोलॉजी में इतनी एडवांसमेंट हो रही है जिससे ह्यूमन बीइंग्स की इंपॉर्टेंस बढ़ती जा रही है। तो इसलिए, और ह्यूमन बीइंग्स कहाँ टेक्नोलॉजी लाएंगे? दे आर वर्किंग इन द ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी टाइप के, और केवल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हर डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बीइंग्स आर वर्किंग। सो कीपिंग दिस इन जनरल पॉइंट ऑफ व्यू, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट बन गया है, ठीक है। तो ये आपका था रैपिड एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसकी वजह से इतना ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, स्टाफिंग की इंपॉर्टेंस इतनी बढ़ रही है। सेकेंड आपका है इंक्रीजिंग साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप आज के कंपैरिजन में पहले के टाइम से इसको कंपेयर करो, तो पहले के टाइम पे इतनी ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस नहीं थी, इतने ज्यादा ब्रांड्स नहीं थे, इतनी कंपनीज नहीं थी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशंस का साइज इंक्रीज हुआ जा रहा है। इसका एक रीजन ये भी कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, ठीक है। जो काम पहले छोटे लेवल पे होता था, धीरे धीरे लोग बढ़े, उन लोगों की नीड्स को पूरी करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन को अपना काम एक्सपैंड करना पड़ा। फॉर एक्सपैंडिंग देयर वर्क उनको ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ी, ऑब्वियसली बात है। अगर आप सिंपल एग्जांपल देखो, एक फैक्ट्री के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है पेन्स का, तो पेन अगर प्रोड्यूस करी जा रही है एक फैक्ट्री के अंदर, आपको पता है, वो बिजनेस को पता है कि हमारे जितने भी कस्टमर हैं, अगर हमें प्रोडक्शन एक वीक करनी है, तो एक वीक अगर हम 1000 पेन को प्रोड्यूस कर रहे हैं, पेन को मैन्युफैक्चर कर रहे हैं अपनी फैक्ट्री में, तो हम उन कंज्यूमर की डिमांड को आसानी से पूरा कर सकते हैं, जो कस्टमर्स हमारे पेन को परचेज करते हैं। अब उन्हें पता चल रहा है कि कस्टमर्स इंक्रीज हो रहे हैं, उनके ब्रांड की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, और भी कस्टमर्स आ गए। अब 1000 कस्टमर्स के कंपैरिजन में 2000 कस्टमर्स आ गए हैं, और वो हमारे पेन को परचेज करना चाहते हैं। तो अब उन्हें पता है कि अब जब डिमांड इतनी ज्यादा है, तो ऑब्वियसली वो प्रोडक्शन भी बढ़ा देंगे, ठीक है। तो वो क्या करेंगे कि अब तो चलो हम 1000 रिड्यूस कर देते हैं, डिमांड बढ़ती जा रही है, अब हमें 2000 रिड्यूस करना है पर वीक अगर आप लेके चलो। तो अब अगर उन्हें 2000 प्रोड्यूस करना है पर वीक, तो जितने लेबर उनके यहाँ पहले काम करते थे उस फैक्ट्री के अंदर, अब उन्हें उससे ज्यादा लेबर्स की जरूरत पड़ेगी। तो क्या है? ह्यूमन रिसोर्सेस। क्योंकि आपको पेन बनाने के लिए केवल उस मटेरियल की जरूरत नहीं, आपको एक ह्यूमन बीइंग की जरूरत हर स्टेप पे पड़ेगी। हर स्टेप पे एक ह्यूमन बीइंग इन्वॉल्व रहेगा, ठीक है। एंड ह्यूमन बीइंग क्या है? वही तो स्टाफिंग है, वही तो ह्यूमन रिसोर्स है। तो ह्यूमन रिसोर्स की जरूरत बढ़ती जा रही है, क्योंकि साइज इंक्रीज हो रहा है, इसलिए ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही है। और सिंस ह्यूमन रिसोर्सेज की जरूरत पड़ रही है, तो मैनेजमेंट को अपने स्टाफिंग फंक्शन को भी और इवॉल्व करना पड़ रहा है, ठीक है। तो स्टाफिंग की भी इंपॉर्टेंस बढ़ रही है। आप इन चीजों को कनेक्ट करो, इन पॉइंट्स को आप कनेक्ट करो ह्यूमन बीइंग से। ह्यूमन बीइंग कौन लाएगा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर? मैनेजमेंट लाएगी। मैनेजमेंट कैसे लाएगी ह्यूमन बीइंग को? स्टाफिंग से लाएगी। स्टाफिंग प्रोसेस है, स्टाफिंग इज अ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। ये आपका सेकेंड था। अब थर्ड आपका कहता है कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। नाउ दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर। ह्यूमन बीइंग्स का जो बिहेवियर है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज देखो, ह्यूमन बीइंग्स हैव इमोशंस, ह्यूमन बीइंग्स के में इमोशंस है, ठीक है। दे आर डायनेमिक। अगर आप कॉमर्स कमर्शियल टर्म में देखो, तो ह्यूमन बीइंग्स आपके डायनेमिक होते हैं। एंड डायनेमिक का कॉन्सेप्ट आपको पिछले वीडियो में एक्सप्लेन करा गया, दे आर डायनेमिक, वो अफेक्ट होते हैं, ठीक है। दे हैव इमोशंस, वो फील करते हैं चीजों को। सो हमें उन्हें कॉम्प्लीट की तरह ट्रीट नहीं करना। जैसे आपको पिछले वीडियो में एग्जांपल था, टेबल को आप आगे से पीछे रख दो, इट विल नॉट बी ऑफेंडेड। बट अगर क्लास में एक स्टूडेंट बैठा, आपने उसको बिना वजह पीछे बैठा दिया, देन दैट स्टूडेंट विल गेट ऑफेंडेड, ठीक है। वो इस बात से बहुत अफेक्ट हो सकता है कि उसे बिना किसी वजह से पीछे के ऊपर करा गया, ठीक है। तो लेकिन एक टेबल नहीं अफेक्ट होगी, बिकॉज वो टेबल नॉन लिविंग थिंग है, ठीक है। तो सिंस हमें ह्यूमन बीइंग से डील करना है, और हमें पता है कि ह्यूमन बीइंग्स को ट्रीट करना इज
अ कॉम्प्लिकेटेड थिंग, इज अ डिफिकल्ट थिंग, बिकॉज हम एक नॉन लिविंग थिंग को नहीं ट्रीट कर रहे, हम एक लिविंग थिंग को ट्रीट कर रहे, एक लिविंग बींग को ट्रीट कर रहे हैं. और हम कैसे उस लिविंग बींग को ट्रीट करेंगे, उस ह्यूमन बींग को, वो उस वही रिजल्ट वो करेगा हमारे ऑर्गेनाइजेशन काम में. एम्प्लॉयज को अच्छे से ट्रीट करोगे, वो आपका काम अच्छे से करेंगे. आप एम्प्लॉयज के साथ बुरा बिहेव करोगे, उनको ट्रीट ढंग से नहीं करोगे, देन दे विल ऑल्सो नॉट परफॉर्म द वर्क इफेक्टिवली, वो काम ढंग से नहीं करेंगे. एंड अगर एम्प्लॉयज आपके काम ढंग से नहीं करेंगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन अल्टीमेटली सफर करेगी. सो टू मेक योर ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल फॉर द एक्सपेंशन एंड ग्रोथ ऑफ योर ऑर्गेनाइजेशन, इट इज मैंडेटरी कि जो आपके एम्प्लॉयज हैं, जो लेबर काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, वो इफेक्टिवली काम करें. कैसे इफेक्टिवली काम करेंगे, जब उनको ट्रीटमेंट अच्छे से मिलेगी. तो ये जो कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर है, तो और आपको पता ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बींग का नंबर बढ़ रहा है, जितने ज्यादा लोग अब उतनी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीजों को मैनेज करना है, तो डेफिनेटली ये सब क्या है, ये इम्पोर्टेंस इंक्रीज कर रहा है स्टाफिंग की. स्टाफिंग के अंदर ये सारे फंक्शन आते हैं. अभी जब स्टाफिंग के आप फंक्शन पढ़ोगे, स्टाफिंग का प्रोसेस पूरा पढ़ोगे, तो उसके अंदर ये सारी चीजें इन्वॉल्व है. ठीक है, तो ये सारी चीजें जो इन्वॉल्व है, ये फिर जाके मैनेज करेंगी, क्योंकि ह्यूमन बींग्स इंक्रीज हो रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन रिसोर्स की वैल्यू इंक्रीज हो रही है, इसलिए उनको जो उनकी जो मैनेजमेंट है, विच इज नोन एज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो कि क्या है, स्टाफिंग ही है, उसकी भी इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो जा रही है. ठीक है, तो ये आपका था कि इंक्रीज्ड इम्पोर्टेंस जो है, इसका रीजन क्या है. ये आपके 3 पॉइंट रीजन थे कि क्यों इम्पोर्टेंस इंक्रीज हो रही है. रैपिड एडवांसमेंट हो रही है टेक्नोलॉजी की, ऑर्गेनाइजेशन का साइज इंक्रीज हो रहा है, और ह्यूमन बींग्स का कॉम्प्लिकेटेड बिहेवियर. अब इसके बाद हमें यह देखना है कि स्टाफिंग के बेनिफिट्स क्या हैं. अगर हम स्टाफिंग को बहुत इफेक्टिवली करेंगे, बहुत अच्छे से करेंगे ये जो प्रोसेस है स्टाफिंग का, तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे. तो बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग, बेनिफिट्स ऑफ प्रॉपर स्टाफिंग, किसको ये बेनिफिट मिलेंगे, ये बेनिफिट आपको बताने हैं ऑर्गेनाइजेशन को क्या मिल रहा है. जिस ऑर्गेनाइजेशन में ह्यूमन बीइंग्स को, स्टाफ को बहुत अच्छे से प्रॉपरली इफेक्टिवली एम्प्लॉय करा जा रहा है, स्टाफिंग का प्रोसेस बहुत इफेक्टिवली हो रहा है, उससे फिर ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट मिलेंगे, क्या क्या आप बोल सकते हो इसके प्रोज क्या रहेंगे. ठीक है, क्या क्या प्रोज रहेंगे इसके. तो फर्स्ट आपका जो है वो कहता है कि डिस्कवरिंग एंड ऑब्टेनिंग कॉम्पिटेंट पर्सनल. अब यहाँ पे कह रहे हैं कॉम्पिटेंट पर्सनल, ये आपका कीवर्ड है. कॉम्पिटेंट पर्सनल का मतलब क्या होता है, देखिए कॉम्पिटेंट मतलब जो इफेक्टिवली काम करेगा. ठीक है, जो केपेबल है. ठीक है, इफेक्टिवली काम करेगा, केपेबल है. पर्सनल क्या होता है, ये देखिए डबल एन वाला पर्सनल है, ये आपका इंडिविजुअल है. इस पर्सनल का मतलब होता है इंडिविजुअल. यहाँ पे किस इंडिविजुअल की बात करें, यहाँ हम एम्प्लॉय की बात कर रहे हैं. तो कॉम्पिटेंट पर्सनल, इफेक्टिव केपेबल जो लोग हैं उसको डिस्कवर कर सकते हैं अगर हम स्टाफिंग अच्छे से करेंगे. क्यों, देखिए स्टाफिंग क्या करता है, जब स्टाफिंग का प्रोसेस पढ़ोगे तो स्टाफिंग आपका बेसिकली क्या करता है ना, सबसे पहले देखते हैं कि हमें क्या क्या जॉब अपने ऑर्गेनाइजेशन में, कैसी कैसी जॉब अवेलेबल है. अगर वो फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन जो है, वो फैक्ट्री भी उसकी चलती है और उसको ऑफिस का काम होता है, ऑब्वियसली बात है ऑफिस का काम तो हर ऑर्गेनाइजेशन होता है. फैक्ट्री उनमें होती है जहां पे उनको प्रोडक्शन वगैरह करनी मशीन को यूज करके. तो अगर एक ऐसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है जिसको पता है कि हमारी फैक्ट्री में भी काम हो रहा है और हमारे यहाँ ऑफिस में भी काम देखना है, तो भाई वो मैनेजमेंट जो रहेगी जिसको स्टाफिंग का रिलेटेड काम देखना है, तो वो ये देखेगी ना कि भाई हमें किस तरह का काम अपने ऑर्गेनाइजेशन में करवाना है. अगर फैक्ट्री का काम है तो वहां पे किस तरीके का काम करना है, ऑफिस का काम है तो वहां पे हमें कौन सी चीजों को यूज करके करवाना है. तो जब वो ये देखेंगे उसके बाद उन्हें पता चलेगा कि क्या क्या जॉब हमारे पास है, किस किस तरह की जॉब है, मशीन किस तरह की चलवानी, क्या उन मशीन्स को चलाने के लिए हमें बहुत किस टाइप के, किस एज के लोगों की जरूरत है. अगर ऑफिस में हमें कोई पर्सन चाहिए जो ये डिफरेंट डिफरेंट काम करेगा, तो उसके काम के लिए हमें किस तरीके के, कौन सी डिग्रीज के या कौन से सर्टिफिकेट जो है या कौन से जो जो क्वालिफिकेशन के पीपल है, हमें उनकी जरूरत है. तो ये सब काम कौन करेगा, ये स्टाफिंग ही करेगी. तो जब स्टाफिंग प्रॉपरली होगी
तो वो अपने ऑर्गेनाइजेशन की जॉब को एनालाइज बहुत प्रॉपरली करेंगे। जब उसकी एनालिसिस प्रॉपरली होगी तो वो ये अच्छे से ज्यादा बेटर डिसाइड करेंगे कि अगर हमें इस ऑर्गेनाइजेशन में एक जो भी पर्टिकुलर हम अकाउंट्स के काम के लिए एक पर्सन को रखना है, तो वो प्रॉपरली डिसाइड करेंगे कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी है तो हमें उस पर्टिकुलर अकाउंटेंट को, बहुत केपेबल अकाउंटेंट को रखना है। उसके लिए अगर हम कह रहे हैं तो वो जो है बैचलर्स की डिग्री हो, उसके साथ उसके अलग अलग अगर कुछ मांग ले कोई एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशंस, वो डिसाइड कर लेंगे। आपने जब भी देखा होगा न्यूज़पेपर्स में आते हैं कि जॉब ऑफर्स आते हैं, तो उन जॉब ऑफर्स में क्वालिफिकेशन मेंशन होती है, एलिजिबिलिटी क्या है आपकी, वो एलिजिबिलिटी कौन डिसाइड करता है, स्टाफिंग डिसाइड करती है, किस हिसाब से डिसाइड करती है कि किस तरह का काम हमें करवाना है। तो अगर स्टाफिंग अच्छे से करेगी, स्टाफिंग प्रॉपर करेगी, स्टाफिंग के जो मैनेजमेंट है वो प्रॉपरली काम करेगी, इफेक्टिवली काम करेगी, जॉब्स को अच्छे से एनालाइज करेगी, जॉब्स के हिसाब से क्वालिफिकेशन डिसाइड करेगी और फिर उन क्वालिफाइड कैंडिडेट्स को ढूंढ के लाएगी और अपने ऑर्गेनाइजेशन में उनको सेलेक्ट कर लेगी। इससे क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन में बेटर पीपल विल बी एम्प्लॉयड, ऑर्गेनाइजेशन में कॉम्पिटेंट पर्सनल विल बी एम्प्लॉयड, ठीक है। उस ये आपका बेनिफिट है प्रॉपर स्टाफिंग का, फर्स्ट। सेकेंड बेनिफिट आपका कहता है हायर परफॉर्मेंस। हायर परफॉर्मेंस वाला आपका ये जो स्टाफिंग का मेन आपका हेडिंग है ना, उससे रिलेटेड है। आपकी स्टाफिंग में क्या था, टू कीप राइट पीपल एट द राइट जॉब। वही सिंपल एग्जांपल ले लो टीचर्स का, अगर एक टीचर फिजिक्स में अच्छी है तो वो फिजिक्स को ही बहुत अच्छे से पढ़ा सकती है, अगर वो दूसरे सब्जेक्ट को उतना इफेक्टिवली नहीं पढ़ा पाएंगी, ठीक है। कोई टीचर मैथ्स में अच्छी है तो वो मैथ्स बहुत अच्छे से पढ़ा सकती है, मे बी वो हिंदी को या ज्योग्राफी हिस्ट्री को ना पढ़ा पाए, ठीक है। हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में जो बेट बहुत अच्छी है तो वो मे बी फिजिक्स और उसको ना पढ़ा पाए। तो ये क्या है, हायर परफॉर्मेंस कब होगी, हायर परफॉर्मेंस तब होगी जब हम राइट पीपल को राइट जॉब पे रखेंगे, जो जिस चीज के लिए केपेबल है उसको उसी पोजीशन पे अलॉट करा जाए। ये कौन करेगा, ये वही करेगा अगर स्टाफिंग प्रॉपर होगी, जो मैनेजमेंट है जो स्टाफिंग का काम देख रही है अगर वो प्रॉपर है तो ही वो ये अच्छे से डिसाइड कर सकती है कि इस पर्टिकुलर पर्सन को हमें कौन सा काम देना है, वो कितना केपेबल है उस काम को करने के लिए। अगर हम वो प्रॉपरली नहीं करेंगे, हमने उस पर्टिकुलर जो स्टाफिंग है, जो स्टाफ आपका स्टाफिंग का फंक्शन कर रही है, जो मैनेजमेंट जैसे ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट जो है, उसने उस पर्टिकुलर पर्सन को एम्प्लॉय करके एक ऐसी जॉब पे रखा जहां के लिए वो केपेबल ही नहीं है, तो वो अपनी फुल कैपेसिटी का काम नहीं कर पाएगा, वो अपना फुल आउटकम नहीं दे पाएगा, ठीक है। एक मशीन है जिसको एक पर्टिकुलर चीज के लिए यूज करना है और आप उसको दूसरे काम में करोगे तो मशीन नहीं करेगी काम, ठीक है। सिमिलरली ह्यूमन बींग है, बट फर्क क्या है, दे आर नॉट मशीन्स, दे आर डायनेमिक, दे हैव इमोशंस। तो एक ह्यूमन बींग को भी सही काम करवाने के लिए हमें उसकी कैपेबिलिटी के हिसाब से उसे काम देना होगा, और ये सब डिसीजंस कौन लेगी, ये सब डिसीजन लेगी आपकी ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, ये स्टाफिंग का फंक्शन है मैनेजमेंट का। तो बेनिफिट बता रहे हैं कि स्टाफिंग प्रॉपर होगी तो उसके क्या क्या बेनिफिट ऑर्गेनाइजेशन को मिलेंगे, तो ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस बढ़ जाएगी, इफ राइट पीपल विल बी एम्प्लॉयड एट द राइट जॉब, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो बेनिफिट आपको मिलता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलता है, वो है कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ। कंटिन्यूअस सर्वाइवल एंड ग्रोथ, ठीक है। अब अगर ये भी आपका इसी पॉइंट से रिलेटेड है कि राइट पर्सन को हमें राइट जॉब पे रखना, जब रहेगा राइट पर्सन राइट जॉब में तो बिजनेस सर्वाइव करेगा, ग्रो करेगा, एक्सपेंड करेगा। अगर उल्टा हो जाए, गलत तरीके के लोग, रॉन्ग पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर दोस पोजिशन, तो काम ही ढंग से नहीं होगा। जब बिजनेस का एक एक फंक्शन गलत होगा तो एक टाइम पे आके वो बिजनेस बंद हो जाएगा या वो ऑर्गेनाइजेशन बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये थर्ड बेनिफिट है कि प्रॉपर स्टाफिंग से हम बिजनेस की सर्वाइवल और ग्रोथ को और कंटिन्यूटी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फोर्थ आपका बेनिफिट होता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज। अब यहाँ पर आप देखिए ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, यहां पर ये ह्यूमन रिसोर्सेज का टर्म आपका आया है। ह्यूमन रिसोर्सेज क्या है, एम्प्लॉइज जो ह्यूमन काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे आर द रिसोर्स फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। तो कह रहे ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, ऑप्टिमम मतलब परफेक्ट यूटिलाइजेशन, ठीक है। जितना यूटिलाइज कर सकते हो, अगर किसी चीज को आप एक पर्टिकुलर लेवल तक यूज कर सकते हो आप उसका फुल यूटिलाइजेशन करो। क्या होता है ये, फुलर यूटिलाइजेशन, पूरी कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी जो है उसकी वो यूज आप कर लो, ठीक है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन किसी भी चीज का अगर होगा देन उसका रिजल्ट ऑटोमेटिकली अच्छा आएगा, ठीक है। जैसे कि अब आपको पता है कि आपको एक, जैसे कि आपको कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, आपको कोई ग्रीटिंग कार्ड बनाना है, तो उस ग्रीटिंग कार्ड को बनाने के लिए आपको पता है कि आप एक पर्टिकुलर, अगर आपको पेपर का बनाना है, पेपर आपने कोई अच्छे से उसको कोई फ्लावर बनाना है,
तो आपको पता है कि आप उस पेपर से कैसा फ्लावर बनाओगे जिससे आप उस पेपर को फुली यूटिलाइज कर सकते हो, ठीक है। आप उस पेपर को कैसे कट करोगे कि आपका वो पेपर ज्यादा वेस्ट ना हो और यूज ज्यादा हो जाए, तो ये सब, ये तो आपने ग्रीटिंग कार्ड पे डिसाइड करा। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत बड़े लेवल पे बड़े सारे काम होते हैं, तो जब स्टाफिंग, जो लोग स्टाफिंग का फंक्शन कर रहे हैं, जो मैनेजमेंट स्टाफिंग का फंक्शन कर रही है, अगर वो प्रॉपरली काम करेंगी तो वो क्या करेंगी, ह्यूमन रिसोर्सेज को उनकी फुल कैपेसिटी से यूटिलाइज करेगी, ठीक है। अगर कोई इफेक्टिव है पर्टिकुलर काम को करने के लिए तो वो उनकी फुल कैपेसिटी यूटिलाइज करेंगी। अब सबसे छोटा सा एग्जाम्पल आप देख लो, टीचर्स होते हैं, जैसे जैसे क्लासेस बढ़ती जाती हैं, टीचर्स जो हैं वो क्लास बढ़ेगी तो सब्जेक्ट आपका टफ होता जाएगा, उस हिसाब से टीचर्स को एम्प्लॉय करा जाता है। अगर कोई टीचर एक्सपीरियंस्ड है तो जनरली आपने देखा होगा नए टीचर्स को डायरेक्टली 10th 12th की टीचर बना दिया जाता है, जो हो सकता है आपके स्कूल में नहीं आई हो। क्यों करा जाता है? बिकॉज स्कूल का, आपको जो स्कूल में जो स्टाफ है, जो स्टाफिंग का फंक्शन देख रहे हैं, उन्हें पता है कि ये पर्टिकुलर जो टीचर है, ये जो पर्टिकुलर है, ये एक 10th की क्लास को बेटर पढ़ा पाएंगी, ठीक है। 10th की क्लास में अगर आप इनको टीचर बना देंगे देन वो बहुत फुल तरीके से अपनी फुल कैपेसिटी से पढ़ा पाएंगे, बिकॉज शी हैज दैट कैपेबिलिटी। उनका ये एक्सपीरियंस है, उनकी एलिजिबिलिटी कुछ भी देख के कर सकते हैं, ठीक है। अगर उन टीचर को वो 5th की टीचर बना देंगे देन भी वो अपना फुल आपको देंगी, फुल तरीके से पढ़ाएंगी स्टूडेंट को, लेकिन वो 5th लेवल तक का पढ़ाएंगी, ठीक है। 10th में भी वो फुल तरीके से पढ़ाएंगी लेकिन 10th के लेवल तक का पढ़ाएंगी। तो यहाँ पे हम एक एम्प्लॉय को एक पर्टिकुलर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हैं, फुली यूटिलाइज कर रहे हैं। कैपेबिलिटी उस एम्प्लॉय की 10th को पढ़ाने की है, आप उसको 5th में पढ़ाओगे तो आप उसको अच्छे से यूज नहीं कर रहे हो, आप उसको 10th में करोगे तो ही वो आपकी प्रॉपर यूटिलाइजेशन है। तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ह्यूमन रिसोर्सेज का कब होगा? तब होगा जब स्टाफिंग आपकी प्रॉपरली काम करेगी, ठीक है। तो ये बेनिफिट है इसका। इसके बाद आपको इसमें देखना है कुछ टर्म्स है, ओवर मैनिंग एंड अंडर यूटिलाइजेशन। अब अंडर यूटिलाइजेशन क्या, वही चीज, टीचर आपकी 10th तक पढ़ाने की केपेबल है, उनको एक्सपीरियंस है, इफेक्टिवली पढ़ा सकती है, लेकिन आपने उनको 5th की टीचर बना दिया तो वहां पे आप उनको उनका यूटिलाइजेशन नहीं कर रहे हो, ठीक है। जैसे मशीन है, मशीन 6 घंटा काम कर सकती है, आपने उसको केवल 4 आवर्स यूज करा, सो आप वो 2 घंटा उसको नहीं यूज करके उस आपको कुछ आपका ही नुकसान हो रहा है, मशीन का कोई नुकसान नहीं हो रहा, आपका नुकसान है बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग दैट पर्टिकुलर मशीन प्रॉपरली, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, तो अंडर यूटिलाइजेशन भी प्रिवेंट करता है, क्या प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट्स अंडर यूटिलाइजेशन। यूटिलाइजेशन का क्या मतलब होता है, यूटिलाइजेशन मतलब यूज करना, अंडर मतलब बिलो कैपेबिलिटी के लेवल, कैपेबिलिटी जो है उसके बिलो, तो अंडर यूटिलाइजेशन को प्रिवेंट करता है और ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करता है ह्यूमन रिसोर्सेज का, ठीक है। उसके बाद आपका है कि इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इम्प्रूव जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल, किसका, ऑफ एम्प्लॉइज। जब स्टाफिंग प्रॉपरली होगी, देखो आपको पता है एक पर्सन जिस लेवल का कैपेबल होता है तो वो ये एक्सपेक्ट करता है। आप भी अभी आगे जाकर अलग अलग जगह ऑर्गेनाइजेशंस में आप काम करना चाहोगे तो आपको पता है कि आप किस पर्टिकुलर काम के लिए कैपेबल हो, आप किस पर्टिकुलर जॉब के लिए कैपेबल हो, ठीक है। और अगर आपको आपकी कैपेबिलिटी के टाइप से उसी के लेवल के आपको जॉब मिलेगी देन आपका मोरल बढ़ेगा, ठीक है। आप सेटिस्फाइड रहोगे अपने जॉब से। जिनको उनकी कैपेबिलिटी से लो की जॉब मिलती है वो क्या करते हैं, वो जनरली उस जॉब को छोड़ के चले जाते हैं और उस लेवल को अचीव करते हैं, अपनी उस जॉब सेटिस्फेक्शन को अचीव करने के लिए और मेहनत करने लगते हैं। तो इससे उस पर्टिकुलर इंसान का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान उस ऑर्गेनाइजेशन को होगा जहां पर एक बहुत केपेबल इंसान को आपने खो दिया, ठीक है। ह्यूमन रिसोर्सेज है, यू डोंट हैव टू लूज देम। स्टाफिंग में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको राइट लोगों को एम्प्लॉय तो करना है, उसके बाद यू हैव टू मेक श्योर दैट दे वर्क इन योर ऑर्गेनाइजेशन, वो अपनी उस पोजीशन पे फिक्स रहे, ठीक है। उनको रिटेन भी करना है, यू डोंट हैव, जैसे आपको कुछ पढ़ते हो, ठीक है, कहते हैं ना कि अगर आपने कुछ पढ़ा है तो उसको फिर रिटेन भी करो। आपने आज कुछ याद कराया देन यू शुड रिटेन इट ऑल्सो, ये नहीं कि आज पढ़ा और भूल गए, ऐसे नहीं। तो सिमिलर तरीके से एक पर्सन को एम्प्लॉय करा है तो एम्प्लॉय करने के बाद काम खत्म नहीं हुआ है, आपको मेक श्योर करना है कि वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में काम करे। इन्फोसिस में यही बोला गया था, उनके जो सीईओ है, कि वी मेक श्योर कि हमारे जो असेट्स हर शाम को हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जा रहे हैं वो नेक्स्ट मॉर्निंग फिर से वापस आए,
ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स को अपने एम्प्लॉयज के लिए उन्होंने ये चीज बोली थी। तो यही है कि अगर प्रॉपरली आप करोगे स्टाफिंग तो कैपेबिलिटी के हिसाब से उनको आप एम्प्लॉय करोगे, जब कैपेबिलिटी के हिसाब से आप उनको एम्प्लॉय करोगे देन दोज पीपल दोज एम्प्लॉयज विल बी सैटिस्फाइड कि भाई हम इतने के हम टेंथ को पढ़ाने के लिए कैपेबल थे, आपने हमें टेंथ का टीचर बनाया, दैट पर्सन विल बी सैटिस्फाइड। ठीक है, वो जब सैटिस्फाइड होंगे तो जब उनका जॉब सैटिस्फेक्शन की रहेगी तो उनका मोराल बढ़ेगा, ठीक है, वो इफेक्टिवली काम करेंगे, वो फिर अपना 100% देंगे। ठीक है, ये चीज ऑटोमेटिकली आ जाएगी। आप ये हर चीज अपने से लेंगे, देखो बिकॉज यू आर ऑल्सो ह्यूमन बींग, हम ह्यूमन बींग से रिलेटेड बात कर रहे हैं, ये सारे पॉइंट्स हमें एक मशीन को देखने के लिए नहीं पढ़ने, ठीक है, ह्यूमन बींग्स के लिए पढ़ने। तो ये क्या पॉइंट्स है, इतने पॉइंट्स है कि बेनिफिट क्या, अगर हम स्टाफिंग का फंक्शन बहुत प्रॉपरली करेंगे तो उससे ऑर्गेनाइजेशन को क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। पहला बेनिफिट ये कि कंपिटेंट पर्सनल इफेक्टिव पीपल काम करेंगे, क्योंकि स्टाफिंग ढंग से होगी इफेक्टिव लोगों को एम्प्लॉय करा जाएगा, हायर परफॉर्मेंस, अब इफेक्टिव पीपल होंगे तो परफॉर्मेंस बहुत अच्छी हो जाएगी, कंटिन्यूअस सर्वाइवल परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी तो बिजनेस आपका सर्वाइव करेगा, ग्रो करेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, अब स्टाफिंग अच्छे से होगी तो कैपेबिलिटी के हिसाब से और पीपल को एम्प्लॉय करा जाएगा, उनकी फुल यूटिलाइजेशन हो जाएगी, फुल यूटिलाइजेशन होगी तो उनकी अंडर यूटिलाइजेशन नहीं होगी। अब फुल यूटिलाइजेशन यही तो कह रहे हैं, इसको आप ऑपोजिट वे में देखो, फुल यूटिलाइजेशन करोगे मतलब यू आर नॉट अंडर यूटिलाइजिंग देम, यू आर यूटिलाइजिंग देम फुली। और उसके बाद इम्प्रूव्स द जॉब सेटिस्फेक्शन एंड मोरल, जॉब सेटिस्फेक्शन जाएगी, वो मोटिवेटेड रहेंगे काम को करने के लिए, दे विल बी हैप्पी जब भी वो रोज अपने काम पे आएंगे, अगर वो सेटिस्फाइड अपनी जॉब से, अपनी पोजीशन से, अपनी सैलरी से, अपने जो एनवायरमेंट है आसपास का और जो भी बिहेवियर उनके साथ हो रहा है, एम्प्लॉयज खुश है तो वो उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रोज मोटिवेटेड होकर अच्छा काम करेंगे, एम्प्लॉयज खुश रहेंगे अच्छा काम करेंगे, बेनिफिट किसे मिलेगा, ऑर्गेनाइजेशन को मिलेगा। ठीक है, तो ये आपके बेनिफिट्स जो एक ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं अगर स्टाफिंग प्रॉपरली तरीके से करी जाए। ठीक है, अगर इफेक्टिवली नहीं करा, अगर हम दूसरा केस देखें कि ये स्टाफिंग ढंग से नहीं होगी तो क्या होगा, इसी के ऑपोजिट चीजें हो जाएंगी, वेस्ट होगा ना, ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट होगा, आप एक पेपर को ढंग से यूज नहीं कर रहे हो तो क्या होगा, अगर आपने उसको ढंग से यूज नहीं करा देन दैट विल बी वेस्टेड। एक ह्यूमन बींग को आपने अच्छे से एम्प्लॉय नहीं करा, उनकी लेवल की उनकी कैपेबिलिटी के हिसाब से एम्प्लॉय नहीं करा देन यू आर वेस्टिंग हिम, ठीक है, आपके लिए वो वेस्ट हो रहा है। ठीक है, उसके बाद क्या है, टाइम एफर्ट एनर्जी, इसलिए टाइम एफर्ट एनर्जी का वेस्ट होता है क्योंकि स्टाफिंग का प्रोसेस बहुत ही लंबा होता है। ठीक है, आज के टाइम पे अगर आप पर्टिकुलर सिनेरियोस देखो, आज के टाइम का प्रेजेंट सिनेरियो, तो स्टाफिंग का फंक्शन बहुत टाइम कंज्यूमिंग है, बहुत ही एफर्ट्स कंज्यूमिंग है और बहुत ही मनी कंज्यूमिंग है। इसका प्रोसेस आप जब देखोगे तो बहुत सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है जहां पे ऑर्गेनाइजेशन का बहुत टाइम एफर्ट एंड मनी वेस्ट हो जाता है। और अगर इतना सब वेस्ट करने के बाद यू आर नॉट गेटिंग द गुड रिजल्ट, ठीक है, प्रॉपर आप एम्प्लॉयमेंट नहीं कर पा रहे हो देन इट इज अ वेस्ट। ठीक है, उसके बाद यही है कि अब एम्प्लॉयज ढंग के नहीं होंगे, ऑर्गेनाइजेशन के काम खराब होंगे, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्शन खराब होगा, ऑर्गेनाइजेशन की मैनेजमेंट खराब हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि हर जगह ह्यूमन बींग्स काम कर रहे हैं, जैसा ह्यूमन बींग मशीन को चलाएगा मशीन वैसे ही चलेगी। ठीक है, तो ये चीज देखनी होती है। तो अभी हमने बस इस वीडियो में ये देखा कि स्टाफिंग की इम्पोर्टेंस क्या थी, इम्पोर्टेंस आज के टाइम पे क्यों बढ़ रही है और प्रॉपर स्टाफिंग के क्या क्या बेनिफिट होते हैं ऑर्गेनाइजेशन को, एंड इम्प्रॉपर स्टाफिंग अगर होगी ढंग से नहीं होगी तो उसके क्या क्या एडवर्स इफेक्ट्स हो सकते हैं। इतना बस इस वीडियो में है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे स्टाफिंग का प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, स्टाफिंग का प्रोसेस में हर स्टेप को डिटेल में पढ़ना है, रिक्रूटमेंट होता है, सिलेक्शन होता है, क्या होता है वो अच्छे से समझा जाएगा। एंड अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो देन डू लाइक इट, कोई भी डाउट्स हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, कुछ नया अगर आप चाहते हो देन यू कैन ऑल्सो कमेंट दैट, एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड स्टडी हार्ड एंड बाय।